दोस्तों भले ही सरकार ने ओपीएस एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूपीएस पेश कर दिया है, उसके बावजूद देश भर में अभी भी सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए और अब आंदोलन की एक नई आग भड़क चुकी है। देखिए यूपीएस ओपीएस को लेकर पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों ने कमर कसी, यूपीएस के विरोध में 96 घंटे तक बांधेंगे काली पट्टी। सरकारी कर्मचारियों के कई संगठनों ने केंद्र सरकार के यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। हमारे देश के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में यूपीएस का विरोध जताया है। हाल ही में आपको पता होगा पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली की बजाय एनपीएस में कुछ सुधार किए और एक नई पेंशन योजना पेश की यूपीएस करके, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना। तो जब से ये योजना लागू करने की घोषणा की है ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध ही किया है और इसी बीच अब कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी ओपीएस की बहाली के लिए आज 2 सितंबर से लेकर आने वाले 6 सितंबर तक एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत पूरे देश के शिक्षक एवं दूसरे कर्मचारी काली पट्टी बांध कर काम करेंगे और इस अभियान का मकसद है सरकार को चेतावनी देना। विजय बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार को यूपीएस या एनपीएस हटाकर दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली करनी ही होगी। ना सिर्फ एक राज्य कुछ जिलों में बल्कि दोस्तों देश भर के अधिकतर राज्यों में शिक्षकों समेत ज्यादातर सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ये काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे। यहाँ तक कि कर्मचारी संगठनों ने अब तो एक और नया प्लान ये भी बनाया है कि अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई। विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हैं कर्मचारी, मतलब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जो मेजर पार्टियां हैं उनको साथ में लेकर के अब कर्मचारी संगठन इस यूपीएस पेंशन का विरोध करेंगे। अच्छा, यूपीएस में एक और चीज को लेकर परेशानी है कर्मचारियों को कि वीआरएस के बाद पेंशन नियमों पर संतुष्ट नहीं है कर्मचारी संगठन, इसीलिए भी नई योजना पर सवाल उठा रहे हैं और इस संबंध में भी पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी कि यूपीएस में जो वीआरएस का फॉर्मूला सरकार ने लगाया उससे ये अभी तक संतुष्ट नहीं है। ऐसा देखिए उत्तर प्रदेश में भी यूपीएस के विरोध में आए प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी 26 सितंबर से हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। वैसे आपको पता होगा, नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र सरकार के बाद अब यूपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये घोषणा कर दी गई है 13.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और इस संबंध में हाल ही में राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल ने भी कुछ सवालों के जवाब देते हुए बयान दिया था कि देश के सभी राज्यों को लागू करनी ही पड़ेगी यूपीएस। तो यही वजह है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अब सरकारी कर्मचारी और ज्यादा विरोध करने लगे हैं। ये देखिए आप हरियाणा के हिसार की तस्वीरें। हिसार में भी यूपीएस बहाली को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की, बोले कि अब आर पार के मूड में है। और 8 सितंबर को हरियाणा के रोहतक में इस संबंध में कार्यक्रम भी होगा। हालांकि आपको पता होगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में एक आदेश भी सुनाया था कि हरियाणा में 2006 के बाद जो भी पक्के कर्मचारी हैं वो सभी ओपीएस के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की एक अपील को भी खारिज कर दिया और इस हाईकोर्ट के फैसले से तकरीबन 5,000 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा। खैर रिटायर्ड कर्मचारियों को तो ओपीएस मिल जाएगी, लेकिन जो वर्तमान के मौजूदा कर्मचारी नए सिलेक्शन हुए उनका क्या होगा? तो यही वजह है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश भर के अधिकतर राज्यों में अब काली पट्टी आंदोलन शुरू हो चुका है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या सरकार को यूपीएस में और कुछ संशोधन बदलाव करने चाहिए या फिर जो पुरानी पेंशन ओपीएस ही थी वही वापस लागू कर देनी चाहिए? इस पर आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी देखते हैं इस आंदोलन के बाद सरकार झुकती है या नहीं, क्या और नया फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।